मीडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम मोदी ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के पहले फेज का उद्घाटन किया। आम लोग 21 अक्टूबर यानी शनिवार से इसमें यात्रा कर सकेंगे। हालांकि अभी दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक 17 किलोमीटर की यात्रा की जा सकेगी। यह यात्रा 12 मिनट में तय होगी। ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पूरा होने के बाद दिल्ली से मेरठ तक की 82 किलोमीटर तक की यात्रा एक घंटे के समय में तय किया जा सकेगा। नमो भारत के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज इस खंड का उद्घाटन हो रहा है। इस मौके पर मैं फिर कहना चाहता हूं कि जिस योजना का शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। दिल्ली से मेरठ कॉरिडोर का हमने शिलान्यास किया है, इसका भी उद्घाटन हम ही करेंगे। पीएम मोदी ने कहा, दिल्ली NCR और पश्चिमी यूपी के लोगों को नवरात्रि पर मिले इस उपहार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है और अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। मेरे परिवार जनों, मेरा हमेशा से मानना है कि भारत का विकास राज्यों के विकास से ही संभव है। अभी इस समय हमारे साथ कर्नाटक के CM सिद्धारमैया भी जुड़े हैं। आज बेंगलुरु में मेट्रो की लाइनों को भी देश को समर्पित किया गया है। इसमें बेंगलुरु के IT हब की कनेक्टिविटी भी अच्छी हुई है। अब बेंगलुरु में हर रोज लगभग 8 लाख लोग मेट्रो से सफर कर रहे हैं। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।